जय श्री राम। आज बुंदेलखंड की पावन धरा पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो ये प्राचीन किला है, वास्तव में जो हम परिकल्पना करते हैं कि भारत विश्वगुरु रहा होगा, भारत सोने की चिड़िया रही होगी, तो जब ऋषियों की बात आती है तो ऐसा लगता है कि भारत विश्वगुरु रहा होगा, और जब सोने की चिड़िया की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में इन किलाओं को देख करके यहाँ की एक एक दीवारें, एक एक नक्काशियाँ, इतने सुंदर जो है डिज़ाइन, निश्चित तौर पर ये भारत के स्वर्णोदय का एक प्रतिबिंब है। और जिस स्वरूप को आज मैं देख रहा हूँ, बड़ा आह्लादित हूँ। और एक एक मैंने गुफाओं को अंदर तक देखा, जितने तो मैं अभी ऊंचाई पर हूँ, इसके नीचे कई जो है सुरंग बने हुए हैं, कई तहखाने हैं, और ऐसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे भवन हैं जहाँ पर लोगों को प्रवेश कर लेने से मतलब एकदम भ्रम हो जाता है। तो इतनी सुंदर नक्काशी, इतनी सुंदर चित्रकारी, इतनी सुंदर कलाकारी हमारे पूर्वजों की रही है, जो वास्तव में भारतीय संस्कृति के वैभव को दर्शाते हैं। और मैं जो आज यहाँ पर पहुँच करके एक परिकल्पना कर पा रहा हूँ कि हमारा भारत कैसा रहा होगा, तो शायद ऐसा ही रहा होगा जो आज हमें दिखाई पड़ रहा है। और इतने विहंगम दृश्य को देख करके बड़ा मन आह्लादित है, लेकिन दुख तब होता है कि जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वीरान पड़ी हों, इस पर कोई संरक्षण ना हो, कोई देखने वाला ना हो। और मैं तो आज कई किलाओं को देख करके आया, मैं जनमानस से भी कहना चाह रहा हूँ, भारत सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ, मैं आज बुंदेलखंड के कई किलाओं को जो है होकर के आया। अभी ओरछा के पास भी किला में होकर के मैं आया, और किला के ऊपर ले जा करके मजार स्थापित कर दी गई है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। हमारे राजाओं ने, हमारे शूरवीर राजाओं ने जिस विराट भारत की कल्पना करके इतने महान जो है किलाओं का निर्माण किया था, और अंग्रेजों से, मुगलों से, ईरानियों से, पारसियों से लड़ करके भारत को स्वतंत्र करा करके इस दृढ़ता को स्थापित किया था, आज उस पर भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का अभ्योदय होना चाहिए। और उसमें मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये इतने बड़े बड़े परिसर वीरान पड़े हुए हैं, इनकी वीरानता खत्म हो और सारे स्थलों पर श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना हो और पुनः इसका अभ्योदय शुरू हो और पुनः इसमें दिव्यता और ऊर्जा का वास हो। जय श्री राम।